भदोही में निर्धारित शुल्क जमा करने के बावजूद भी विभाग की लापरवाही से नहीं लगा खंभा। भदोही जनपद के ज्ञानपुर क्षेत्र के वेदपुर गांव का मामला। सरकार जहां किसानों और विद्युत उपभोक्ताओं के राहत के लिए विभिन्न योजना चलाती है, जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना हो, सरकार ने तो बिजली का कनेक्शन हर घर में हो इसके लिए बाकायदा अभियान चलाकर लोगों का निशुल्क कनेक्शन किया और उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसे मामले देखने को मिल जाते हैं जो सच में शासन के कार्यों पर पानी फेरने का कार्य करते हैं, जबकि यह सब कुछ स्थानीय स्तर पर लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से होता है। और अपने वैधानिक कार्य को कराने के लिए उपभोक्ता विभाग के सभी अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाता रहता और सुनवाई के लिए गुहार लगाता रहता है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती दिखती है। और अंत में परेशान होकर व्यक्ति या तो चक्कर लगाना बंद कर देता है या फिर न्यायालय का द्वार खटखटाने पर विवश होता है। एक ऐसा ही मामला कालीन नगरी भदोही में देखने को मिला है, जहां 4 माह पूर्व शुल्क जमा हो जाने के बाद भी पता नहीं किस वजह से बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपभोक्ता को खंभा और ट्रांसफार्मर नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर उपभोक्ता बिजली विभाग के अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री के पोर्टल तक पर भी गुहार लगा चुका है, लेकिन कोई भी कार्यवाही ना होने से उपभोक्ता परेशान है और उसकी एक मोटी रकम भी एस्टीमेट के नाम पर बिजली विभाग के खाते में जमा भी कर दिया गया है। मामला ज्ञानपुर क्षेत्र के वेदपुर का है, जहां की मिथिलेश मिश्रा ने अपने घर पर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया तथा पहले कुछ रकम बताई गई और बाद में जब एस्टीमेट बना तो बहुत ज़्यादा रकम बताई गई। हालांकि मिथिलेश ने बिजली का खंभा और ट्रांसफार्मर जल्दी लगे इसके लिए जो भी अमाउंट था उसे जमा कर दिया, लेकिन 3 माह से अधिक समय मिथिलेश मिश्रा का कहना है कि एक कर्मचारी सुविधा शुल्क की मांग कर रहा था और कह रहा था कि जल्दी काम हो जाएगा। हालांकि मिथिलेश मिश्रा ने बिजली विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि उनका खंभा और ट्रांसफार्मर शीघ्र लगवाया जाए जिससे समस्या समाप्त हो जाए, अन्यथा शीघ्र ही कार्यवाही न होने पर वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाते पर विवश होगी। अब यह सवाल पैदा होता कि आखिर शुल्क जमा हो जाने के बाद इतनी देर क्यों हो रही है। इस मामले पर जब ज्ञानपुर एसटीओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी लेकर शीघ्र ही यथास्थिति से अवगत कराया जाएगा। अजित मिश्रा ज्ञानपुर भदोही का मूल निवासी हूं। मुझे स्वतः के खंभा ट्रांसफार्मर मीटर के लिए ज्ञानपुर के जेई ने 60 से 65 हजार रुपए का बजट दिया था, जबकि हमको 1 अप्रैल को एस्टीमेट 108,937 रुपए का मिला। मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब इतना क्यों, तो वहाँ के जो एक्सचेंज थे बोले नहीं आपको तो भरना ही पड़ेगा। और दिनेश मौर्या थे बोले मैं आपको बोला था 20,000 रुपए आप दे देते तो 30-35 हजार रुपये में आपका लग जाता था, तो बोला नहीं हमको तो पूरा पैसा भरना है, गवर्नमेंट को भरना है, कुछ ऊपर के पैसा नहीं दे पाएंगे। फिर जो है वो 108,937 रुपए बोले आप भरिए और आप जाने साहब जाने आपका लगे न लगे हमसे मतलब कुछ नहीं है। मैं 108,937 रुपए 28 अप्रैल को भर चुका हूं और आज तक बिजली विभाग का चक्कर काट रहा हूं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं नीचे से लेके ऊपर तक सारे अधिकारियों से शिकायत कर चुका लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब आप लोगों का मदद चाहता हूं, प्रेस मीडिया का मदद चाहता हूं, अंत में हमको न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा, इनको